आवधिक शिक्षा विभाग की इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं कराने के लिए विभाग ने पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन कुछ चीजों का जानना हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। ये परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होनी है, ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि आपके सिस्टम का इंटरनेट बाधित ना हो, ये सुनिश्चित कर लें, और साथ ही आपके कक्ष में कोई भी प्रवेश न करे इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। आपके सिस्टम में कैमरा और माइक्रोफोन होना ही चाहिए, साथ ही आप जहां पर बैठे हैं वहां पर लाइट का प्रबंध भी होना बेहद जरूरी है, जिससे कि प्रॉक्टर आपका चेहरा ठीक से देख सके। सभी परीक्षाएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर ही होंगी। सभी प्रश्न पत्रों में 50 सवाल होंगे जो 90 मिनट में पूरे करने होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है आपके लिए जानना कि यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में टूट जाता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटरनेट के रिज्यूम होने पर आपने अपनी परीक्षा जहां पर छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ होगी। अगर परीक्षा के दौरान आपको कोई भी परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्थितियां सामान्य होने पर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है। इसमें भाग न लेने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब और गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित हो सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई इस जानकारी से आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद।